अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले। कमेंट में हर हर महादेव लिखे, महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। सोमवती अमावस्या पर महिलाएं क्यों लगाती हैं पीपल की परिक्रमा, जाने पूजा विधि और महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विधान है, लेकिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका क्या धार्मिक महत्व है? हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या पर महिलाएं पूजा करेंगी पीपल वृक्ष की। पूजा इस बार भाद्रपद मास में होगा सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या 2 को महिलाएं लगाएंगी पीपल वृक्ष में फेरी। इस वर्ष 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। पंडित पांडे ने बताया भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या इस बार सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करेंगी। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर फेरी लगाती हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है, जब सोमवार और अमावस्या का योग बनता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। पंडित पांडे ने बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। यह एक शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करेंगी और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटेंगी। इस प्रक्रिया को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान और व्रत का पालन। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा के दौरान चावल, फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं। वे भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और पिंडदान किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा पाठ करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ही महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं आखिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों करती हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अमावस्या के दिन सूर्योदय के साथ ही पवित्र नदियों, तालाबों व जलाशयों में स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करें। घर या मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा करें और पीपल के पेड़ की विधान से पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद सामर्थ्य के हिसाब से कपड़े, अन्न का गरीबों या साधुओं को दान करें। पीपल की परिक्रमा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियां सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।
इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो तो इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह होने के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना के लिए अमावस्या व पूर्णिमा तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से देवी देवता आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन गंगा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इन दोनों तिथियों का संयोग होने पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। तुलसी की परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। सोमवती अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन दिन माँ तुलसी की परिक्रमा का विधान है। जीवन में सुख समृद्धि कायम बनी रहने के लिए महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं और सभी दुखों के निवारण के लिए माँ तुलसी की परिक्रमा करती हैं। इस दिन माँ तुलसी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से महिलाओं के कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई तुलसी की परिक्रमा से लोगों के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या का आरंभ 2 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह के 7:44 तक रहेगा। तुलसी की परिक्रमा करने की विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे को गंगाजल से धोकर साफ करें और उनका श्रृंगार करें। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दें। तुलसी के पौधे को फूल, चंदन आदि से सजाएं। तुलसी के पौधे की दक्षिणावर्त दिशा में 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी माता नमः मंत्र का जाप करें। माँ तुलसी से अपनी मनोकामनाएं मांगें। इन बातों का रखें खास ध्यान। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत का पालन कर तुलसी की परिक्रमा करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन शांत और स्थिर रहता है। सोमवती अमावस्या पर तुलसी की परिक्रमा करते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए और तुलसी के पौधे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी को सभी देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में या घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर तुलसी की परिक्रमा करने से आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संबंधित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।